नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अयोध्या में रामलला के बाद अब शुरू होगा 13 और नए मंदिरों का काम। मां सीता से हनुमान तक अब ये होंगे विराजमान। चीन में बड़ा हादसा, दुकानों के बेसमेंट में आग लगने से 25 लोगों की मौत। चार बार में नहीं तोड़ा हौसला, कुसमुरा मेहनपुरी के शिव प्रताप बने SDM। हरियाणा रोडवेज की हड़ताल से प्रदेश भर चक्का जाम, लाखों यात्री हुए परेशान। बुलेट ट्रेन के लिए तैयार हो गया गुजरात में नदी पर पहला पुल, रेल मंत्रालय ने शेयर की मनमोहक तस्वीर। FRS की नजरों से नहीं बचेगा कोई भी संदिग्ध। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले नई तकनीकों से पटी दिल्ली। संन्यास से वापसी कर भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलेंगे धोनी। अमित शाह 4 फरवरी को करेंगे रामलला के दर्शन। बिजनौर में 30 फीट नीचे नदी में गिरी कार, 4 दोस्तों की मौत। PM मोदी का बुलंदशहर दौरा, CM योगी ने किया निरीक्षण। हलवा सेरेमनी आयोजन के साथ अंतिम चरण में बजट प्रक्रिया, 1 फरवरी को पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं से धूप हो रही बेअसर, धुंध और शीतलहर बरकरार। सामान्य ही व्यवस्था, श्रद्धालुओं ने आसानी से रामलला के दर्शन किए, मोबाइल और बैग साथ ले जाने की अनुमति नहीं। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेगा UP, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। अयोध्या के बाद इस अबू धाबी में मंदिर बनकर तैयार, PM मोदी 14 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा में तैनात होंगे 14,000 कर्मी, कमांडो और स्वाट टीम तैयार। प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा पर स्नान, संगम के तट पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब। 14 फरवरी से शुरू होगा हिमाचल का बजट सत्र, 17 को CM सुक्खू करेंगे पेश। कपूर ठाकुर को भारत रत्न, अमित शाह बोले यह पिछड़े और दलितों का सम्मान। फिरोजाबाद जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम का किया शुभारंभ। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।